हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और आज का व्लॉग फिर मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह से नाश्ता बनाने लगी हूँ। बेसिकली मैं बनाने लगी थी आलू और मेथी के पराठे, तो उसी की थोड़ी सी प्रेपरेशन कर रही हूँ। और आलू और मेथी के पराठे बहुत ही यम्मी लगते हैं, और अभी तो बहुत अच्छी मेथी आती है, और नए वाले आलू के साथ ये बहुत अमेजिंग लगते हैं। आप ट्राई कर सकते हो। पराठे बनाने के लिए जो मेथी होती है ना, उसके पत्ते पत्ते आप निकाल के उनको धो के एकदम ड्राई कर लीजिए। पानी नहीं रहना चाहिए, पत्तों में पानी होगा ना तो फिर वो आलू को लिसलिसा बना देगा और आपके पराठे फिर फटने लगेंगे। तो एकदम ड्राई की हुई मेथी आप ले लीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया, दोनों को बारीक चॉप करके रख लीजिए। आलू मैंने उबाल लिए थे और बस मैं तैयारी शुरू करूँगी मेथी के पराठे बनाने की। लेकिन यहाँ पर इन सभी को भूख लगने लगी तो मैंने सोचा कि अंडे उबाल देती हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाएगा और इन लोगों का भी पेट भर जाएगा। तो मेरे पास ये एक नया प्रोडक्ट है, ये एग पोचर है, आप एग बॉयलर भी कह सकते हो। ये आया है बुलबुल शॉप की तरफ से और बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी गाइज। ये चार कलर वेरिएंट में आता है और इसमें एक साथ 7 अंडे उबल सकते हैं। और इस आइटम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हो। अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये मिलता है और बहुत ही पर्पसफुल है। आप इसमें अंडे उबाल सकते हैं, मतलब पोच कर सकते हैं, और चाहें तो अंडा पका भी सकते हैं। इसके साथ ये एक ट्रे आती है, जो नीचे वाली यूनिट है ये बेसिकली मशीन है जो गर्म होती है। फिर ये वाइट वाली यूनिट के ऊपर, इस रैक के ऊपर आप अंडे प्लेस कर दीजिए। और जो कप की सहायता से मैंने पानी डाला था ना, ये एक मेजरिंग कप है, तो आपको अंडे कैसे उबालने हैं उस हिसाब से आप मेजरिंग कप से नाप के पानी डाल सकते हैं। और ये जो एग पोचर है ना, इसमें टाइमर नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक है, यानी कि आपको सेटिंग सेट करनी है, सेटिंग भी सेट नहीं करनी है, बेसिकली उतना पानी ही डालना है जैसे आपको अंडे बॉईल करने हैं, हार्ड, सॉफ्ट या मीडियम, बस मेजर करके उतना पानी डाल दें। और जैसे ही पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ये ऑटो कट हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास फ्री में आया है, ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है गाइज। मैं बहुत वक्त से एक अच्छा एग पोचर ढूंढ भी रही थी। और ये ऐसे बंदे जैसे शर्मा जी है ना मेरे घर में, उन्हें कुकिंग का शौक नहीं है पर वो अंडे खाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही काइंड ऑफ वरदान है। आप बस इसे प्लेस करके रख दीजिए, ऑन करके अपने आप अंडे उबल जाते हैं और छीलने में बेहद आसान, बिल्कुल भी इसकी स्किन चिपकती नहीं है। जब तक एग उबल रहे हैं मैं यहाँ पे बाकी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये ऑटो कट है, इसके मेजरिंग ग्लास में जितना मेजरमेंट दिया हुआ था ना, कहाँ गया? ठीक है, इसके साथ ये मेजरिंग ग्लास आया था, इसमें मेजरमेंट दिए कि आपको हार्ड चाहिए, मीडियम या सॉफ्ट चाहिए, उस हिसाब से मैंने पानी रखा था। और टाइमर नहीं है इसमें, ऑटो कट है ये, जैसे ही आप जितना पानी रखेंगे वो इवेपोरेट हो जाएगा, ये अपने आप बंद हो जाता है। अब आप इसका ढक्कन हटा के, क्योंकि अंदर बहुत स्टीम है, तो केयरफुली अंडों को रिमूव कर सकते हो। इसका ये जो कवर है ना, डोम शेप कवर, ये प्लास्टिक का है जिसे आप आसानी से हाथ से उठा सकते हो, ये बहुत गर्म नहीं होता है। और आप देख ही सकते हैं कितनी स्टीम बनी है। और अंडे मैं आपको छील कर और काट कर दिखाऊंगी। मैं मतलब सच में बहुत खुश हूँ, ये बहुत सही वाला प्रोडक्ट है। तो अंडे जब तक थोड़े से कूल होते हैं मैं बाकी तैयारी कर लूँगी। मेरे पास एक्चुअली है ना मेथी थोड़ी ज़्यादा थी, आलू मेथी के पराठे में बहुत सारी मेथी नहीं डलती है, मेथी ज़्यादा थी तो बची हुई मेथी को मैं धोकर रख नहीं सकती, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उसकी एक झटपट सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। आलू मेथी से ज़रा सी अलग सब्ज़ी है, यम्मी लगती है, आप बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। बस मैं अंडे छील लूँगी अभी। और मुझे इस एग कुकर की सबसे अच्छी बात, इसकी कन्वीनियंस तो है ही, लेकिन इसका जो छिलका है ना, चिपक नहीं रहा। नॉर्मली जो बॉईल करते हैं छिलका होता है ना, मुश्किल हो जाता है यार। ये देखिए बहुत स्मूथली आ रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा। बुलबुल शॉप पे पेमेंट करने के लिए सभी मोड्स अवेलेबल हैं, पेटीएम कर सकते हैं आप, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड, एनीथिंग। और ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो हम लोगों ने ख़रीदा है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि हम लोग कुछ नया ख़रीदने वाले हैं। तो ये है एक वॉशिंग मशीन, बेसिकली मेरे पास वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक, लेकिन क्या हुआ ना, वो उसकी थोड़ी सी लाइफ हो गई है और आजकल वो बहुत ज़्यादा लिंट प्रोड्यूस कर रही थी और मुझे थोड़ा सा उसका, उसमें ना बहुत शोर आ रहा था कई दिन से। तो मेरी लास्ट वॉशिंग मशीन भी एकदम ऐसे ही चलते चलते एक दिन बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने प्रिकॉशनरीली नया वॉशिंग मशीन ले लिया है। पुरानी वाली वॉशिंग मशीन का मैं गिव अवे करने वाली हूँ।
तो जो वॉशिंग मशीन मैंने लिया है ये भी टॉप लोड ही है, क्योंकि मेरे पास जगह उतनी नहीं है जहाँ पे एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आ सके। और ये है एक वर्लपूल का वॉशिंग मशीन। और ये देखिए, ये है वो आइटम जो आने वाला था, डिलीवर हो गया। इसका इंस्टॉलेशन अभी कब का है शर्मा जी? इंस्टॉलेशन तो कर दिया। हाँ वो तो तुमने कर दिया, पर वो आते तो 1-2 दिन बाद है ना, हाँ, तो कल का था। वो लोग नहीं आए, पर शर्मा जी को बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसका इंस्टॉलेशन कर दिया। तो ये है हमारा नया वॉशिंग मशीन वर्लपूल का। जब हम लोग देखने गए थे तो वहाँ पे सैमसंग, आईएफबी, एलजी वगैरह थे, पर फंक्शन वाइज, प्राइस वाइज हर तरह से ये वाला ठीक लगा। इसमें हॉट एंड कोल्ड फीचर भी है, और मैं लेना तो चाहती थी फ्रंट लोड, पर यहाँ पे जगह उतना नहीं है। डिश वॉशर भी रखा हुआ है तो जगह इतना नहीं था, क्योंकि फ्रंट लोड आगे से ही खुलती है ना। यहाँ देखिए आप कितना कम स्पेस है, बस इस एक रीज़न की वजह से फ्रंट लोड नहीं लिया हम लोगों ने, टॉप लोड लिया है। और एक्साइटमेंट इतनी है शर्मा जी को, उन्होंने खुद ही मशीन लगा दी। मुझे बोल रहे हैं कपड़े कब धोगी, कपड़े धोते हैं चलो। हाँ लगाने हैं। लगा देते हैं ना। ये सीधे करके डालते हो ना तुम? मैं आती हूँ 1 मिनट। पराठे बनाना शुरू करें इससे पहले मैं फटाक से ये झटपट सब्जी बना दूंगी, मेरे लंच में काम लग जाएगी। मुझे ब्रेकफास्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ मेथी यूज़ करने के लिए मैं बना रही हूँ और आपको रेसिपी दे रही हूँ। मैं इसे लंच में इस्तेमाल कर लूँगी। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने आलू डाल दिए हैं, थोड़ा नमक डाल के मैंने उसे रोस्ट होने रखा है। और यहाँ मैं थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन काट रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल प्याज ले सकते हो। आलू देखिए अच्छे लाल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा, लाइक 95% कुक भी हो गए हैं। तो मैंने इसमें कटी हुई एक छोटी सी शिमला मिर्ची और थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाले हैं। डालकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन मेथी में। और इसे थोड़ी देर तक पकाइए, एक्चुअली भूनना है आपको। स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च को बहुत पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। इसके बाद एक टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। और मसालों में डालेंगे हम लोग हल्दी, धनिया और मिर्ची का पाउडर। और ये सब्ज़ी झटपट बनती है, लिटरली 10 मिनट्स। इसमें बहुत मसाले भी नहीं डलते, बहुत तामझाम भी नहीं है। आप बना के देखिएगा, आपको इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। यूटिलिटी तो है ही, फटाक से बनने वाली एक सब्ज़ी है। तो थोड़ी देर पकाया है मैंने ये सारी चीज़ों को। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देखिए। आलू पहले ही गल चुके हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें कटी हुई मेथी डाल दूंगी। ये मेथी मैंने साफ़ करके धो के फिर काटा है, और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होगा तो आपको उतनी ही देर से सुखाना पड़ेगा। मेथी को पकने में 2 से 4 मिनट ही लगते हैं, उसको बहुत वक्त की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी को मिला लीजिए और 2-4-6 मिनट पका लीजिए। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी ड्राई बने, और पराठे के साथ बहुत मस्त लगती है। लंच बॉक्स में आप ये सब्ज़ी दे सकते हो। मैंने ये सब्ज़ी लंच में ही इस्तेमाल की थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया था पराठों का। और आलू मेथी के पराठे मैंने मेरी सासू मॉम से सीखे थे। मेरी मम्मी नहीं बनाते हैं आलू मेथी के पराठे, वो या तो आलू या तो मेथी के पराठे बनाते हैं। तो आलू मेथी के पराठे बनाने के लिए मैं वो चटनी बनाने वाली हूँ, टमाटर वाली। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, पराठा बस बनाना शुरू करूँगी। चटनी पहले मैंने बना ली, क्योंकि एक बार आप स्टफ में नमक डाल लो ना, फिर आप रुक नहीं सकते। बहुत सारी स्टफिंग नमक डालते ही बेकार होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, इसलिए पराठे एकदम लास्ट काम किया कीजिए। आपको उसके साथ जो भी बनाना है ना, सब्जी, चटनी, रायता, वो पहले बना लीजिए। तो आलू मैंने बॉईल करके प्रेस कर लिए हैं। इसमें मैंने डाला है धनिया और मेथी जो पहले काटा था। इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा प्याज। इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा आमचूर। आमचूर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के हिसाब से नमक, और ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो आखा धनिया होता है ना उसको क्रश करके डाल सकते हो, थोड़ा जीरा डाल सकते हो, अगर आपको पसंद आता है वो टेस्ट तो अच्छा लगेगा शायद आपको। मैं सिर्फ इतने ही मसालों के साथ बनाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ड्राई सी स्टफिंग तैयार हुई है। आपकी स्टफिंग जितनी ड्राई होगी ना आपको पराठे बनाने में उतनी ही आसानी होगी। अच्छे पराठे जो फटे नहीं उसके लिए एक ही रूल है कि आपकी स्टफिंग ड्राई होनी चाहिए और आटा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं, दोनों लगभग एक जैसे होने चाहिए, तो आपके वंडरफुल से पराठे बनेंगे। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी, उसे मैंने डिश आउट कर लिया है, बस पराठे सेकने की तैयारी कर रही हूँ मैं। नॉर्मल तरीके से वही एक परत के पराठे बना रही हूँ मैं। थोड़ा आटा लेकर उसको थोड़ा छोटा रोटी जैसा बेल लिया है मैंने, और फिर इसके अंदर जितनी आप मैनेज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा उतनी स्टफिंग डालिएगा। भरवा पराठे अच्छी स्टफिंग की मात्रा के साथ ही अच्छे लगते हैं। और इसके बाद बस इसको बेल लीजिए, और ये वाले पराठे बड़े आसानी से बिल जाते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा फट भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ही लगते हैं। और एक परत के पराठे ये वाले आसानी से बन सकते हैं, अनलाइक मूली वगैरह के पराठे। तो बस जैसी थिकनेस आपको चाहिए, जितने बड़े आपको पराठे चाहिए वैसे बेल के सेक लीजिए। घी बटर तेल आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऑयल में ये पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप गर्मा गर्म खा रहे हो तो घी अच्छा लगता है, पर घी एक वक्त के बाद बहुत जलता है, तवे पे उसकी स्मेल बैठ जाती है। दो चार पराठे इज़ ओके, लेकिन अगर आप 8-10 पराठे बना रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से तेल ही ठीक रहता है। बट अगैन आपको जैसे पसंद आता हो आप इनको वैसे सेक लीजिए, पर सेकिएगा अच्छा अच्छा एकदम करारा करारा। देखिए कितने यमी लग रहे हैं देखकर, आप खाइएगा। अगर आपको मेथी पसंद आती है ना तो आपको ये पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। एक वेरिएंट है आलू के पराठे का, हेल्दी भी बहुत है और सर्दियों में ही खाए जाते हैं यार ऐसे पराठे। फिर गर्मियों में तो इतनी महंगी होती है मेथी, पहली बात तो मिलती ही नहीं, और अगर आपको मिल भी गई तो 100-200 रुपये किलो होती है यहाँ पर। तो इन पराठों को भी आप डब्बे में दे सकते हैं, मतलब लंच बॉक्स के लिए, आप अगर ऑफिस जाते हैं अपने लिए या आपके बच्चे अगर खा लेते हैं इस तरह के पराठे तो उन्हें दीजिएगा। बहुत हेल्दी वाला एक तरह का लंच बॉक्स हो सकता है ये। तो बस हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट तो, और इसके बाद मैं लगी थी वैक्स करने। बेसिकली मुझे PCOD है, और आप में से जिन लोगों को भी PCOD हो वो मेरी बात से बिल्कुल कोरिलेट करेंगे कि जिन भी फीमेल्स को PCOD की समस्या होती है उनको अचानक से लॉट ऑफ फेशियल हेयर का प्रॉब्लम होने लगता है, अनचाहे बाल चेहरे पे यहाँ वहाँ, थोड़े बहुत बाल फेस पे सभी के होते हैं, और जब वो पीच फज जैसा होता है तो ओके भी है, लेकिन अगर आपको PCOD है तो अचानक से बाल ज़्यादा हो जाते हैं, कोर्स होने लगते हैं, काले काले होने लगते हैं, तो चाहते ना चाहते भी उन्हें रिमूव करना ही पड़ता है। तो मैं महीने 2 महीने में एक बार इस तरह बीन वैक्स की सहायता से लाइक पूरा फेस नहीं, प्रोमिनेंट एरियाज इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कैमरे पे आपको दिखा सकूँ, बट अगेन अगर आपको चाहिए किसी भी तरह की हेल्प या गाइडेंस तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ, और हो सकता है कोई वीडियो मैं इसके बारे में आगे बनाऊँ। बाय द वे ये है मेरा बीन वैक्स हीटर, बिकॉज बीन वैक्स पानी से नहीं धुलता है तो हीटर साफ करने की एक बड़ी समस्या रहती है, तो ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह आप आपके हीटर को साफ कर सकते हो। इसे गर्म कर लीजिए और उसी बॉन्ड से, स्टिक से जिससे आप वैक्स लगा रहे थे उसी की सहायता से इस तरह टिश्यू पेपर घुमा घुमा के जितना भी एक्सेसिव वैक्स आप हटा सकते हो हटा लीजिए। और इसके बाद इसमें किसी भी तरह का ऑयल, मैं कोकोनट ऑयल स्प्रे करती हूँ, और तेल स्प्रे करके इसी तरह टिश्यू पेपर घुमा घुमा के आप साफ कर लीजिए, एकदम अच्छा वाला साफ हो जाता है। मेक श्योर आपका हीटर बीच बीच में आप गर्म ज़रूर करते रहें, तभी ये हटेगा पिघल पिघल कर। और 2-4 टिश्यू पेपर से मैंने इस तरह साफ़ किया है, पहले यूं ही साफ़ किया था फिर तेल से, और 2 बार तेल स्प्रे किया मैंने और एकदम साफ़ हो गया। कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें अभी अभी वैक्स गर्म हुआ था, एक भी पैच नहीं आपको दिखेगा, बहुत कन्वीनियंटली क्लीन हो जाता है। आप ट्राई कर कीजिएगा ये हैक, आपको पसंद आएगा, आपके काम का हो सकता है। और ये देखिए बिल्कुल नया जैसा क्लीन हो गया है।